वो बात याद आने लगी। होता है यार, बहन भाइयों को प्यार होता है, क्या करें। लेकिन तो क्या है। देख के बहुत दुख हुआ एकदम। हाँ, पापा मम्मी को बहुत ज्यादा याद करते बहुत होते हैं। पापा रोने लगे। होता है, बस देख नहीं सकते हम, तकलीफ में ऐसा है। हेलो एवरीवन, अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू अवर न्यू ब्लॉग। कैसे हैं आप लोग? मैं उम्मीद करती हूँ एकदम ठीक ठाक होंगे गाइस। तो बस अपना ब्लॉग शुरू कर रही हूँ और बस मैंने नहा लिया है, नहा धोकर मैं हो गई हूँ रेडी और यहाँ पर मैंने अपना नया सूट भी पहन लिया है जो कि माशाल्लाह से बहुत अच्छा लग रहा है। मतलब मैंने सोचा नहीं था कि अच्छा लगेगा क्योंकि ज़्यादातर आप लोगों ने मुझे फ़्रॉक कुर्ती में ही देखा है। सूट मैंने बहुत टाइम के बाद सिलवाए हैं, मैंने बहुत टाइम के बाद ही सिलवाए हैं। हाँ जी, तो इससे पहले जो है पहले पहनती थी मैं, लेकिन फिर बीच में जो है ना मैंने बंद कर दिया था क्योंकि फिर मुझे अच्छा सा कोई टेलर नहीं मिल रहा था, इसलिए फिर मैंने रेडीमेड पहनना शुरू कर दिया था और अभी फिर से मैं जो है सिलवाने लग गई हूँ। तो अभी मैंने ये पहला सूट सिलवाया है इतने टाइम के बाद। मैंने सोचा था कि पता नहीं फिटिंग वगैरह कैसी क्या आएगी, मुझ पर अच्छा लगेगा या नहीं लगेगा, लेकिन अभी अच्छा लग रहा है। सो बस यहाँ पर मैंने ना ये वाली सलवार बनवाई है इसकी, ये वैसे तो अच्छा लग रहा है। फिर आप बताओ कैसा लग रहा है। और गाइस अभी मैंने चूड़ियाँ नहीं पहनी है तो चूड़ियाँ और पहन लेती हूँ। वैसे तो ग्रीन चूड़ियाँ पहननी चाहिए मुझे, लेकिन मेरे को अभी साइज में आ नहीं रही है तो मैं सूट के मैचिंग की रेड पहन रही हूँ। तो वही चूड़ियाँ भी पहन ली, पायल भी पहन ली पैरों में, सो बस तैयार हो चुकी हूँ मैं पूरी तरह से। तो बस तैयार हो चुकी हूँ मैं पूरी तरह से। ये देखो मैंने ना हाथों में चूड़ियाँ भी पहन ली हैं और बस अभी यहाँ की लाइट ऑन करते हैं। ये देखो हमारा रूम अच्छा लग रहा है ना। थोड़ी सी लाइट से ही अच्छा लगने लग जाता है। तो बस अभी मैं खीर बनने के लिए रख रही हूँ, यहाँ पे दूध बॉईल हो रहा है तो पिसे चावल वाली खीर बनाऊंगी जो कि हमारे घर में सबको बहुत ज़्यादा पसंद होती है। तो वही बनाऊंगी, पूड़ी बनाऊंगी, आलू की सब्जी बनाऊंगी, देखते हैं चलो इंशाल्लाह। तो गाइस यहाँ दूध हो गया है अच्छे से बॉईल और ये है पिसे चावल जो कि मम्मी हमारी चावलों को अच्छे से धो के सुखाने के लिए डाल देती हूँ ऊपर छत पे। उसके बाद जब वो सूख जाते हैं तो ऐसा उसको पीस लेती हूँ और यही चावलों की खीर हमारे यहाँ खाई जाती है, सब लोग बहुत ज़्यादा पसंद करते हैं। तो अभी थोड़ा 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 डालती जाऊँगी मैं और इसको मिक्स करती जाऊँगी, गुठली नहीं बनी। तो यहाँ पे कुछ सब्जी भी ले ली है, मतलब आलू ख़त्म हो गए थे तो आलू ले लिए मम्मी ने बाहर से ही और ये और साथ में मिर्च। तो अभी तो मैंने इसमें थोड़ा सा ही डाला था, इसमें और डालेंगे दूध के हिसाब से, ठीक है, क्योंकि इसको पकने में भी टाइम लगेगा। तो बस गाइस यहाँ पर जो है खीर बनने के लिए रख दी है अच्छे से और जब वो पक जाएगी उसके बाद ही इसमें शक्कर ऐड करेंगे, क्योंकि अगर अभी से शक्कर ऐड करते हैं ना तो फिर वो चिपक जाएगी नीचे। तो सबसे लास्ट में होगा ड्राई फ्रूट शक्कर और इलायची पाउडर, मैं सबसे लास्ट में डालूंगी। और यहाँ पर अभी मैं सब्ज़ी भगा रही हूँ आलू की, तो आलू की भंडारे वाली सब्ज़ी मैं बना रही हूँ और यहाँ पर भाभी भी आ गई। तो भाभी जो है जो मम्मी ने मिर्च और अदरक लिए थे वो धो कर के रख रही हैं। वो रोनी की शक्ल बनाने लगा। ये कौन सा अलग तरीका है खिलाने का, क्यों रहे?
और गैस यहाँ पर अभी थोड़े से बर्तन रख लो मुझे शाम की चाय के, तो अभी वो भी धो लेती हूँ मैं। और फिर खीर बनने ही वाली है, फिर उसके बाद साइड में ड्राई फ्रूट्स कट करके रखूँगी और फिर उसके बाद उसके अंदर डाल दूँगी। और सब्जी भी पक रही है, तब तक मैं ये बर्तन भी साफ़ कर लेती हूँ, थोड़े से ही रखे हैं शाम के, तो दोनों ही काम एक साथ में हो जाएंगे मेरे, है ना, फटाफट से। तो पूड़ियाँ तो हम गर्मा गर्म ही सेकेंगे फातिहा के बाद, जब पापा नमाज़ पढ़ करके आ जाएंगे उस टाइम पे, क्योंकि अभी से अगर सेक के रख देंगे तो फिर वो अच्छी नहीं लगेगी। और यहाँ पर खीर बन चुकी है, शक्कर डाल दी है, इलायची डाल दी है, और यहाँ पर ड्राई फ्रूट भी डाल दिए। ड्राई फ्रूट ज़्यादा नहीं थे, सिर्फ काजू और नारियल था मेरे पास में, बस अभी मैंने वही डाल दिया है। और बस यहाँ पर आलू की सब्ज़ी रेडी हो चुकी है, तो इसमें धनिया और साथ में कसूरी मेथी ऐड कर देते हैं सबसे लास्ट में, और गरम मसाला। तो गाइस सब्ज़ी रेडी हो गई है, खीर रेडी हो गई है, और यहाँ देखो रैन बना रही है हमारे साथ पूड़ियाँ। तो इसको मैं नीचे उतारूँगी वरना तेल वेल गिरने का डर है, तो इसलिए मैं इसको ऐसे नहीं बिठाऊँगी यहाँ पे। और बच्चे अगर ज़िद करते हैं तो उनकी ज़िद्दों को पूरा मत करना ऐसे टाइम पे जब आप कोई भी तलने वाली चीज़ बना रहे हो। तो अभी देखना मैं इसको उतारूँगी तो ये रोएगी, लेकिन फिर भी मैं इसको बहला फुसला दूंगी। और बस अभी थोड़ी सी पूरी सेक लेते हैं और फिर इसके बाद इस पे जो है फातिया लगवाएंगे। तो खीर रेडी है, फातिया भी लगवा देंगे। तो गाइज़ यहाँ मैंने पापड़ निकाल लिए हैं फ्राई करने के लिए, और यहाँ पे देखो पूरी डाल भी दी है, फूली फूली पूड़ियाँ अब होंगी, पहले पूरी थी। तो गाइस फातिहा तो हो गई है और अब हम जा रहे हैं कैंडल्स लगाने के लिए, तो बस अभी कैंडल लगाते हैं। अब देखते हैं ऊपर लगाने जाते हैं क्योंकि हवा भी चल रही है हल्की फुल्की सी, तो हवा से वो क्या है ना बुझ जाती हैं, तो देखते हैं उस हिसाब से जो भी होता है। अभी तो फ़िलहाल जा रही हूँ। मिला लाइट मोमबत्ती, वो तो अपने आप चढ़ जाएगा ना, पैसे चढ़ जाता है। चलो हम ऊपर जा रहे हैं। सो गाइस फातिहा होने के बाद में अभी यहाँ पर हम लोग कैंडल्स लगा देते हैं, तो मैंने ऊपर इसलिए नहीं लगाई है क्योंकि ना बाहर हवा चल रही, तो हवा से ये बुझ रही है, तो इसलिए मैंने सोचा चलो मैं अंदर ही लगा देती हूँ क्योंकि बाहर तो जो है झालर लगी हुई है, तो इसलिए। और यहाँ पर अभी कैंडल्स लगाते हैं, तो आज हमारे सो गाइस कैंडल्स क्यों लगाई जाती हैं देखो, क्योंकि अभी चल रहा है 12 रबीउल अव्वल का महीना, और आज ही के दिन हमारे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पैदाइश हुई थी, तो इसलिए जो है खुशी में कैंडल्स लगाए जाते हैं। पहले तो क्या होता था गांव वगैरह में जो है ना, पहले उस टाइम पे कैंडल्स वगैरह नहीं चलती थी तो दिए रखे जाते थे, लेकिन अभी कैंडल्स हैं, लाइट से रोशनी की जाती है, कैंडल्स लगाई जाती है उसकी खुशी में, तबर्रुक बांटा जाता है जो भी जिससे भी बने, मीठा कुछ बांटा जाता है, तो ऐसा है। तो अभी यहाँ पर फातिहा हो गई तो इसलिए जो है ना यहाँ पर कैंडल्स लगा देते हैं, फिर उसके बाद जाऊँगी मैं अपने नए घर पर, वहाँ पर भी कैंडल्स लगानी, और ये भी आ गए हैं तो इन्हीं के साथ मैं जाऊँगी। और यहाँ देखो मैं बाहर का व्यू दिखा रही हूँ आप लोगों को कि बाहर कितना ज़्यादा अच्छा लग रहा है, हमने झालर लगा दी है। तो गाइस ये आ गए हैं लौट कर झांसी से, और अभी अपना सामान वामन देख रहे हैं, कुछ कपड़े वगैरह लेकर के गए हुए थे, तो बताओ ना क्या हुआ था ऑन क्या खराब, फीवर वायरल फीवर चल रहा है, वायरल तो खैर चल रहा है, इस चक्कर में गए थे। देखो अच्छे में तो सभी जाते हैं ना, अपना वही है जो इस वक्त काम में आए।
बस वायरल हुआ, सब लोग एडमिट हैं, सिंगोमा जी वगैरह सब लोग मतलब वहीं थे हॉस्पिटल, सबको ही बुखार आ रहा था, वहाँ क्या फैल रहा है। फिर जब आप पहुँचे थे तब तक ले गए थे उनको हॉस्पिटल, हाँ एडमिट कर दिया था। हाँ एडमिट हो चुके थे वो, उनके दुलाई वगैरह ने कर दिया था एडमिट। फिर हम लोग पहुँचे, जब तक उनकी वो इंजेक्शन वगैरह ये सब चीज़ें लग गई थी, जाँचें वगैरह हुई, फिर जाँचें वगैरह आई, इन्फेक्शन वगैरह वायरल इन्फेक्शन, ऐसे तो कुछ खास निकला नहीं, कह रहे वायरल इन्फेक्शन चल रहा है, ये मौसम वगैरह चेंज हो सब में फैल रहा है। नहीं वही चीज़ है, वो घबरा इसलिए गई थी, वो घबरा गई थी इसलिए, रोने लगी थी, देख नहीं सकते अपनी बहन को रोते हुए, कोई भी भाई नहीं देख सकता अपनी बहन को, बस दिल बिल्कुल गवारा है। अब माँ बाप नहीं है, जैसे ही फोन आया 6 बजे हमने तुरंत 1 घंटे बाद निकल गए थे, क्योंकि मेरा काम चल रहा था उधर मकान पे, तो उसको फ़ोन किया, उसको कुछ बुलाया, चाय व्याय भी दी उसको, उसको समझा के आया, क्योंकि उसमें थोड़ा सा क्योंकि उसको उसके घर में शादी है जो काम कर रहा है, उसको जल्दी निपटाना, नहीं कम से कम 10-15 दिन बाद करेगा वो, तो ये भी है, सबकी मजबूरियाँ हैं, अब क्या करें, कौन चाहता है दूर रहना, हम तो कहते हैं बाजी से आ जाए यहीं रहने लगो, यहीं शिफ्ट हो जाओ मुरैना में। लेकिन फिर भी इन्होंने मतलब ये काम करवा के, मैंने कहा आप चले जाओ मैं देख लूँगी, क्योंकि देखो काम जब अगर चलता है तो फिर बीच बीच में देखने भी जाना पड़ता है। आप जैसे ही पहुँचे सीमा जी को देखा, मनु भाई को देखा, तो एकदम दिल एकदम भरा आया, क्या कह सकते हैं आप, एक बहन को ऐसे देख के मतलब परेशानी में देख के, आज पापा और मम्मी होते तो है ना वो बात अलग होती है, क्या करें। लेकिन देख के बहुत दुख हुआ एकदम, पापा मम्मी को बहुत ज्यादा याद करते हैं, पापा रोने लगे, होता है बस देख नहीं सकते हम तकलीफ में, ऐसा है। और फिर वहाँ पहुँचे तो बेचारी एक तो उल्टी करके आई थी, वहाँ थी नहीं, वहाँ से इतनी उनको खाना पैक करवा के ले गए थे, उनसे अंदर ही नहीं जा रहा था खाना, मतलब देख के बड़ा दुख हुआ, उनको बचपन में बीमार हो जाती थी इसलिए मम्मी जी, तो पापा मरेली हो जाता उनको जा रहा था, तो पापा खा हाँ मतलब वो बातें याद आने लगी, होता है यार बहन भाइयों को प्यार होता है, ऐसा नहीं है लेकिन मजबूरियाँ हो जाती हैं कुछ, कौन अपनी बहन से दूर रहना चाहता है, सब मोहब्बत रहती है लेकिन कुछ मजबूरियाँ हो जाती हैं, कुछ हालात ऐसे हो जाते हैं, क्या करें। लेकिन समझाया उनको, उससे बातचीत करी अच्छी तरह, उनको लेके ही आने वाले थे हम लोग पहले, तो कोशिश कर रहे थे, लेकिन क्या उनको डॉक्टर को दिखाना था कि 2 दिन बाद फिर दिखाना है, सानिया को भी आ गया था बुखार, सीमा जी को भी, मोनू भाई को भी, सब बीमार। अब वो अकेले हैं ना वहाँ पे, तो क्या है ना थोड़ी सी घबराहट हो जाती है, तो घर में अगर कोई भी एक परेशान होता है या बीमार होता है ना तो फिर सब परेशान होते हैं, भैया रोने लगे, बाजी रोने लगी, सब इमोशनल हो गए, इस टाइम पे माँ बाप याद आते हैं। हाँ होता है, माँ बाप होना बहुत जरूरी है। जब आप अभी नहीं बोल सकते, जब आप परेशान होते हो ना तब इस टाइम पे माँ बाप आते हैं, अल्लाह ताला ये दिन जो आए हैं ना ये भी अच्छे से निकाल देंगे और सब कुछ अच्छा अच्छा हो जाएगा। ये तो लाने की भी बोल रहे थे किसी आवाजी को ले आते हैं यहाँ पे, थोड़ा दिन रुक लेंगी वो, थोड़ा सा मन ठीक हो जाएगा उनका, क्या कर सकते हैं, उनकी भी मजबूरियां हैं, उनकी बेटी भी स्कूल जा रही है, बहुत सी चीजें, नहीं आ पाती कोई एकदम गृहस्थी छोड़ के नहीं आ पाती है, लेडीज के लिए बहुत सारी दिक्कतें आ जाती हैं, आ जाएंगी वो कुछ दिनों में, आ जाएंगे मोनू भाई भी आ जाएंगे, तो उनको भी थोड़ा अच्छा लगेगा, थोड़ा मन ठीक हो जाएगा उनका, क्योंकि दूसरी जगह पर जब जाते हैं ना थोड़ा सा अच्छा लगता है। बस यही था, एडमिट थे वो लेकिन अभी फिलहाल छुट्टी हो गई है उनकी, वहाँ से डिस्चार्ज मिल गया उनको,
और ऐसे रिपोर्ट्स वगैरह में कुछ भी नहीं निकला है, सिर्फ वायरल निकला है। और लेकिन लगातार लगातार उल्टियाँ हो रही थी तो और ज़्यादा घबरा गए थे वो लोग, क्योंकि सीमा बाजी मतलब अकेली थी घर में, फिर सानिया, तो ये चीज़ रहती है। लेकिन फिर उन्होंने अपनी ननद को फ़ोन किया तो फिर वहाँ से सब लोग आ गए थे, तो बस उनको एडमिट कराया और फिर बस इलाज चला उनका। लेकिन अभी उनको डिस्चार्ज भी मिल गया है, तो तभी ये लोग आए हैं वहाँ से। जाते तो हम लोग भी इनके साथ, लेकिन वही है ना कि घर में काम चल रहा था, तो इस चक्कर में फिर एक पर्सन को तो रहना बनता है, क्योंकि भाई काम चल रहा है तो एक तो रहेगा उस टाइम पे। तो फिर मैंने इनसे ही बोले थे कि आप ही चले जाओ, फिर देख लेंगे उनके जब भी जैसे वही रहेगा फिर बताना मुझे, अगर ज़्यादा ऐसा लग रहा है तो फिर हमें आ जाएंगे। हॉस्पिटल के नाम से तो ना इतने ज़्यादा रोंगटे खड़े हो जाते हैं, सच बताऊँ मुझे हॉस्पिटल से बहुत ज़्यादा डर लगता है। जब भी अगर मैं किसी का भी सुनती हूँ ना, क्योंकि वो चीज़ देखी है ना, तो इसलिए इतना ज़्यादा मन बहुत ज़्यादा मतलब वो ऐसा हो गया चलती है, मम्मी पापा हमारा का, हमारी मम्मी पापा के हाँ साथ में थे, वो चीज़ें दिमाग में आती हैं। हाँ पता है पहले तो मैं क्या सोचती थी, अगर मेरे साथ में ऐसा कुछ भी हो ना तो मुझे हॉस्पिटल नहीं लेके जाना, मैं इनसे हमेशा यही कहती थी पहले, क्योंकि वो चीज़ें बार बार ध्यान में आती हैं, बार बार ध्यान में आती हैं। कुछ नहीं था हमारी सासू माँ को भी, तो वो चीज़ें देखी है ना, तो वही चीज़ें ध्यान में आती हैं बार बार से बार बार से। तो हॉस्पिटल के नाम से तो इतना ज़्यादा डर लगता है ना। चलो बस अल्लाह ताला सबको सेहतमंद रखे। अभी आ गए हैं, थोड़ा फ्रेश व्रेश होंगे, फिर उसके बाद हमें बाकी की तैयारियाँ भी करनी है। सो गाइस यहाँ पर कैंडल्स लगा दी हैं और ऊपर झालर भी देख सकते हैं, तो अब हम जा रहे हैं अपने नए घर पे, वहाँ पे भी हमें कैंडल्स लगानी है, तो चलो अब चलते हैं। ये ले लिए कैंडल्स। तो गाइस वहाँ तो उस वाले घर पे तो हमने लगा दिए कैंडल्स, और यहाँ पे भी लगा देते हैं, क्योंकि अच्छा तो बंद हो जाएगी। क्या? अच्छे से आ गई। ये हमने मंगाई थी। चलो चलो ऊपर चलो। ठीक है, बीच में रख दो, गिर जाएगी। सो गाइस यहाँ पे भी हमने कैंडल्स लगा दी हैं, और यहाँ पे भी ज़रूरी था, और चिड़िया का बच्चा मरा पड़ा है तो उसको हटाने ही कह रहे हैं, तो वो हटा रहे हैं। और यहाँ पे भी बड़ी बड़ी वाली कैंडल्स लगा दी हैं, तो अभी थोड़ी देर रहेंगे यहाँ पे, फिर उसके बाद निकलेंगे। तो चलो गाइस अब हम जा रहे हैं, चिपकली थी बहुत बड़ी।